वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संत ध्रुवे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आए हैं सारासोर शिव मंदिर। ये इस तरफ है सारासोर शिव मंदिर जो सूरजपुर ज़िले में आता है और ये लगभग सूरजपुर से आप भैया थान आएंगे और भैया थान से करीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर है ये सारासोर शिव टेम्पल मंदिर। तो आइए चलिए हम लोग आज घूमते हैं सारासोर शिव टेम्पल मंदिर। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस हम लोग भी चलते हैं सारासोर शिव मंदिर टेम्पल देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर है ये यज्ञशाला, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर यज्ञ होता है और इस तरफ से हम लोग जाएंगे मंदिर। तो चलिए मंदिर की ओर बढ़ते हैं हम लोग और आपको सारासोर शिव टेम्पल मंदिर दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए आवश्यक सूचना भी लिखा है, सारासोर क्षेत्र को सेल्फी डेंजर जोन घोषित किया गया है, अतः गंगाधर के आसपास सेल्फी या फ़ोटो लेना सख्त मना है। तो शायद वहाँ पर कोई स्पॉट है गंगाधर के नाम से, वहाँ पर सेल्फी लेना मना है क्योंकि वाकई में भी सेल्फी में थोड़ा खतरा रहता है, लोग रिस्क लेके चले जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर। बंदर है, बंदर बंदर पेड़ों में, क्या बंदर आ गए। चलिए मंदिर की ओर बढ़ते हैं। और आप इस तरफ देखिए, पानी का आवाज़ आ रहा है, एकदम ज़बरदस्त पानी बह रहा है यहाँ पर नदी। और इस तरफ तो कुछ घर है। इतना चौड़ा है, एकदम विस्तार में फैला हुआ है और ये पानी यहाँ तक भरता है। जब पूरे बरसात में नदी अपने स्वभाव में रहता है, पूरा यहाँ तक बाढ़ का पानी आ जाता है यहाँ तक। और दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा डेंजर जोन, ये देखिए यहाँ पर डेंजर जोन बना दिया गया है ताकि कोई सेल्फी लेने के लिए पानी के नदी के किनारे ना जाए। और आप यहाँ से नदी का व्यू देख सकते हो, कितना शानदार व्यू है, कितना फैल। और आप देख सकते हो ऊपर है मंदिर। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ भी चल के देखते हैं। ये है ये मंदिर है और यहाँ से आप लोग को नज़ारा देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ से आप नज़ारा देखो, और वहाँ पर भी मंदिर है, हम लोग वहाँ भी जाएंगे।
पर है जय माँ नव दुर्गा मंदिर, लेकिन अभी शाम हो चुका है, अंदर अंधेरा है दोस्तों, तो मैं दुर्गा माता का कोई दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं वो वाले मंदिर के तरफ, उस तरफ, और वहाँ से भी आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और वहाँ से भी मैं व्यू दिखलाता हूँ। और ये देखिए, ये है वो मंदिर जाने का सीढ़ी। एक क्या हाँ, ये मंदिर डूब जाता ना सीढ़ी वीढ़ी यहाँ तक पानी। हाँ, मंदिर नहीं डूबता, ये नज़ारा इसी का तो है। और इस तरह आप देख सकते हो, मैं शासन द्वारा जगह जगह सेल्फी जोन डेंजर का बोर्ड लगा दिए गया, क्योंकि कई लोग इधर से नीचे जाके सेल्फी लेते हैं और दुर्घटना होता है। और आप इस तरफ भी देख सकते हो, ये देखिए इधर भी कुंड की तरह है और वहाँ पर है शिवलिंग, वो देखिए। थोड़ा सा अंधेरा हो गया दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हम लोग को पहुँचने में टाइम लग गया और आपको मैं ढंग से क्लियर व्यू नहीं दिखला पा रहा हूँ। और वहाँ पर है शिवलिंग, तो वो भी हम लोग जाएंगे, पहले मंदिर चलते हैं और वहाँ से मैं आपको व्यू दिखलाता हूँ और दर्शन भी कराता हूँ। जबरदस्त जगह, लेकिन थोड़ा सा मेला चले, मैं आपको इधर मंदिर की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर है जय माँ गंगे मंदिर, ये भी बंद है। और यहाँ पर है भोलेनाथ जी शिवलिंग, तो आइए मैं उनके दर्शन करा देता हूँ। तो बोलो शंकर भगवान की जय। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा मन्नत वालों ने अपने नारियल बांध रखे हैं, जो उनकी मन्नत पूरी हो करके। और यहाँ से भी व्यू बहुत शानदार है। और ये है वो नदी